रूही एंड सबूही बाजी के ताउन से ही इन बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट। यहाँ पर जो आटे की डिस्ट्रीब्यूशन का अमल था, इसमें रेहान साहब का तो ताउन था ही हमारे साथ, जिसके लिए हम स्पेशल थैंक्सफुल रहेंगे रेहान साहब और काशान मुस्तफ़ा और रेहान दुरानी का, जिन्होंने इस आटे के लिए हमारे साथ ताउन किया। रेहान साहब की तरफ से भेजा गया जो आटा था वो तो दिया ही दिया, लेकिन हम स्पेशल थैंक्स करेंगे अपने सर जमशेद का, जिन्होंने इस वक्त इनको छोटा सा माउंट दिया है इनके हस्बैंड को डॉक्टर की तरफ ले जाने के लिए। मैं बेहद मशहूर हूँ सुल्तान साहब का, जिन्होंने इनको एक गिफ्ट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं जमशेद आजमी इंफॉर्मेटिव चैनल। इस वक्त हम मदरसे के मकाम पर मौजूद हैं, जहाँ पर कुछ नागुजीर वजूहत की वजह से खाने के सिस्टम को रोक दिया गया था, लेकिन माशाल्लाह के सबूही बाजी एंड रूही बाजी के ताउन से दोबारा से इस सिस्टम को दोबारा जारी किया गया, यानी कि दोबारा से शुरू कर दिया गया आप देख सकते हैं। और इन तमाम ऐलानात की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों के चेहरों पर एक दफ़ा से फिर से खुशी की लहर दौड़ गई कि हमें दोबारा से एक अच्छा खाना खाने को मिलेगा। और माशाल्लाह रूही एंड सबूही बाजी के ताउन से ही इन बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट आई है, जिसकी वजह से हम उनका बेहद हम और हमारी टीम बेहद उनके मशकूर हैं। आप देख सकते हैं इनको, इस वक्त आप के बच्चे खुश हैं और माशाल्लाह खाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए हम खाने की इस वक्त सर्विंग का काम हो रहा है, जो कि इधर स्कूल का ही स्टाफ करवा रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि बच्चे अब खाना खाएंगे। आप देख सकते हैं बच्चों के चेहरों पर खुशी और इनकी एक्साइटमेंट, कि वैसे एक तरह से देखा जाए तो ये इनके लिए गेट टुगेदर हो जाता है। असल में खाना तो वो हर बच्चा अपने घर में खाता है रोज़ाना रूटीन के मुताबिक, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बच्चे जो इस वक्त यहाँ बैठे हैं इनके लिए एक तरह से दावत का अहतमाम होता है। तो इनके चेहरों पर खुशी आप देख सकते हैं कि बच्चे कितना खुश होते हैं। इसके लिए हम स्पेशल जो थैंक्स करेंगे वो रूही एंड सबूही बाजी का, जिन्होंने इन बच्चों के लिए कितना अच्छा अहतमाम करा, दावत ही कह लेंगे उनके लिए, दावत थी इन बच्चों के लिए। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा कॉपरेट उनका हमारे साथ आगे फ्यूचर में भी रहेगा। और इसके साथ साथ तमाम ऐसे मुखय्यर हज़रात जो चाहते हैं कि इन बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट बरकरार रहे, तो आपके भी ताउन की बहुत बहुत ज़रूरत है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम चलते हैं आटे की डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, जहाँ रेहान साहब के ताउन से आटा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो आइए हम चलते हैं आटे की डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। इस वक्त हम मौजूद हैं नासरी गोट के उस मकाम पर मौजूद हैं, जहाँ पर रेहान साहब के ताउन से आटे की डिस्ट्रीब्यूशन का अमल जारी है। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि हम मदरसे में मौजूद थे, जहाँ पर आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे खाना खा रहे थे। असल में वहाँ कुछ इशूज़ को लेकर फिर हमने बड़ी बच्चियों का अलग खाने का अहतमाम कर दिया था, जिनको हमने वीडियो में शामिल नहीं किया। और हमारे लिए इस वक्त खुशाइन बात यह है कि हमारे यहाँ पर जो आटे की डिस्ट्रीब्यूशन का अमल था, इसमें रेहान साहब का तो ताउन था ही हमारे साथ, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा इलाके में लोगों की क्वांटिटी बढ़ती गई और लाजमी आसपास के इलाके जिनके शिकायत ये थी कि यहाँ रोटी का जो तंदूर का रेहान साहब के ताउन से एक सिलसिला शुरू किया गया था। तो जैसे सेक्टर 10 हो गई, रहीम गोट हो गई, दिलमुराद गोट हो गया, नासरी हो गया या फायर जे की लेडीज़, उनकी एक शिकायत थी कि हमें रोटी नहीं मिलती, तो आप हमें आटा दीजिए ताकि हम पूरे वीक अपने घर में रोटी बना सकें। तो उसके साथ उसके लिए हम स्पेशल थैंक्स करेंगे रेहान साहब का, और उसके साथ साथ जो हमारे साथ न्यू व्यूअर्स हैं उनमें वकार मुस्तफ़ा और काशान दुरानी, जो इस वक्त जिन्होंने ताउन किया है आटे के लिए। तो अब हम आटे की डिस्ट्रीब्यूशन का अमल जारी करते हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ हमने आटे की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से रखी है, जिनकी फैमिली छोटी है या दो अफराद हैं उनके लिए हमने 5 kg का अहतमाम किया, और जो बड़ी फैमिली के लोग हैं उनके लिए हमने 10 kg का इंतखाब किया है। तो आइए हम आटे की डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह सुजुकी में आटा मौजूद है 5 kg एंड 10 kg, जिसके लिए हम स्पेशल थैंक्सफुल रहेंगे रेहान साहब और काशान मुस्तफ़ा और रेहान दुरानी का, जिन्होंने इस आटे के लिए हमारे साथ ताउन किया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का अमल जारी करते हैं, आ जाइए। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, इस वक्त जो लेडीज़ हमारे पास आ रही हैं रहीम गोट से इनका ताल्लुक़ है, लाइए दीजिए
जी हाँ, इनकी वेरिफिकेशन है, इनको आते दे दीजिए जी। दे दीजिए इनको 10 kg, 10 kg जी 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 हाँ जी, इनको भी दे दीजिए 10 kg। इनको 5 kg दे दीजिए। अच्छा, इसके बाद हम जो शामिल कर रहे हैं इस वक्त मौजूद है नासरी गोट की लेडीज़ को, तो आ जाइए आप भी, 1 kg दे दीजिए इनको। अच्छा दिखा दीजिए जी हाँ, इन खातून को अभी 10 kg दे दीजिए जी जी, इनकी पर्ची है ले लीजिए जी हाँ, इनको भी 10 kg दे दीजिए। मैं ये आपको बताती चलूँ, जो 10 kg मुसलसल जाया जा रहा है, इनकी फैमिली की इंक्वायरी हमने खुद की है और माशाल्लाह इनकी बड़ी फैमिली है, उसके मुताबिक हम इनको 10 kg दे रहे हैं जी हाँ। इनकी भी 10 kg है, दे दीजिए जी। इनकी भी 10 kg है, दे दीजिए, भेज दो इनको, इनको भेजो पहले आप ना जी हाँ जी। इनको भी 10 kg दे दीजिए, आप इधर इधर आइए मम जी हाँ। इनको 5 kg दे दीजिए, आ जाइए हाँ। इनको भी 10 kg दे दीजिए, वेरिफिकेशन है इनकी जी। फैमिली की इंक्वायरी के साथ हो रहा है ना, ठीक है, जैसे जैसे फैमिली का होगा तो लाइए जी हाँ। इनको 10 kg दे दीजिए जी हाँ। इनको भी 10 kg दे दीजिए जी हाँ। इनको भी 10 kg दे दीजिए, 5 kg दे दीजिए, आ जाइए। असल में इनकी वालदा का थोड़ा सा इशू है जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आई हैं, तो इनको भी दे दीजिए आप 5 kg दे दीजिए इनको जी हाँ। इनको भी दे दीजिए 5 kg अच्छा, जो NIC रह गए थे तो उनमें ये लेडीज़ हैं, इनको दे दीजिएगा, इनको भी दे दीजिए 5 kg जी हाँ। इनको भी 5 kg दे दीजिए जी हाँ। इनको भी 5 kg दे दीजिए जी हाँ। इनको भी 5 kg दे दीजिए, इनको भी 10 kg दे दीजिए। आपने इनका NIC निकाल के दिया मुझे। अच्छा, अब मैं बताती चलूँ, अब हमारे पास माशाल्लाह से 5J की खातून आ रही हैं जिनको हम आटा देंगे, ला दीजिए जी हाँ। इनको भी दे दीजिए 10 kg जी हाँ। इनको भी दे दीजिए 10 kg दे दीजिए जी हाँ। इनको भी दे दीजिए 10 kg जी हाँ। इनको भी 10 kg दे दीजिए लाइए, दे दीजिए जी हाँ। इनको भी 10 kg दे दीजिए लाइए जी हाँ। इनको भी 10 kg दे दीजिए जी सर हैं जी हाँ। इनको भी दे दीजिए, क्या है आपका, आप लिखा हुआ नहीं, 5 kg है इनका। शबाना जी हाँ आ जाइए, इनको भी दे दीजिए 5 kg। असल में
मैं आपको बताती चलूँ, इनके घर में माजूर बच्चे हैं और इनकी वाइफ पैरालाइज है, वो आ नहीं सकती और ये उम्र के हिस्से में कि लाजमी खुद भी इतना ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, तो थोड़ी सी हमारी हेल्प हुई है इनके साथ। अब हम शामिल करते हैं सेक्टर 10 की लेडीज़ को, तो आ जाइए आप लोग भी, लाइए दीजिए। ये अब हमने सेक्टर 10 की खातून को शामिल किया, दे दीजिए इनको 10 kg। दे दीजिए 10 kg, दे दीजिए 5 kg, दे दीजिए इनको 5 kg, 10 kg दे दीजिए इनको। सर आपने इनकी रिपोर्ट मंगवाई थी NIC जिनका नहीं था बिल्कुल भी, आपने कहा था इनको ले आइएगा रिपोर्ट के साथ। चलो दे दीजिए इनको 10 kg, आ जाइए इनको भी दे दीजिए 10 kg। बाकी मेरी लेडीज अभी आई हैं, दे दीजिए इनको 5 kg, दे दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम घर घर जाकर हम खुद इंक्वायरी करते हैं, जिस वक्त हम इंक्वायरी के लिए गए तो हमें एक खातून यारूगोट में ऐसी भी मिली जिनके हस्बैंड मज़दूर थे, और मैं इनकी डिटेल आपको बताती चलूँ। हस्बैंड इनके मज़दूर हैं और बच्चे माशाल्लाह इनके 6 हैं और बड़ा बेटा भी इतना बड़ा नहीं है, 13 साल का इनका बड़ा बेटा है। और इनके हस्बैंड 3rd फ्लोर से जब नीचे गिरे, तो मज़दूरी के दौरान पे वो जब नीचे गिरे तो उनकी बैकबोन डैमेज हो चुकी है, वो बिल्कुल पैरालाइज हो चुके हैं इस वक्त, और इनके पास इतना अमाउंट नहीं है कि वो उनको डॉक्टर के पास ले जा सकें। तो हमने इनको रेहान साहब की तरफ से भेजा गया जो आटा था वो तो दिया ही दिया, लेकिन हम स्पेशल थैंक्स करेंगे अपने सर जमशेद का जिन्होंने इस वक्त इनको एक छोटा सा अमाउंट दिया है इनके हस्बैंड को डॉक्टर की तरफ ले जाने के लिए। इसके साथ साथ मैं आपसे खुद गुजारिश करूँगी और पुरजोर अपील है हमारी कि ऐसे मुखय्यर अज़ात जो तआवुन इनके साथ तआवुन करना चाहें तो प्लीज़ हमारे सर से कॉन्टेक्ट कीजिए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त सुजुकी में तकरीबन 3 आटे के बैग्स बचे हैं, जो कि ये जिनके हैं वो इस वक्त रास्ते में हैं, लाजमी थोड़ा सा ट्रैफिक इशू की वजह से वो अभी तक नहीं पहुंचे। इसके साथ साथ हम थैंकफुल रहेंगे रेहान साहब का, वकार मुस्तफ़ा और काशान दुरानी का जिन्होंने हमारे साथ ताउन के आटे की डिस्ट्रीब्यूशन में, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं जमशेद आसमी आपसे मुखातिब हूँ, और ये जो हमारी वॉलंटियर काम कर रही हैं हमारे साथ, तो ये भी इन्हीं इलाकों में रहती हैं और बड़े मसले मसाइल से गुज़र रही होती हैं, तो खास करके जो ये हमारे साथ काम कर रही होती हैं, जाहिर सी बात है वॉलंटियर का मतलब ही होता है रजाकाराना तौर पे खिदमत पेश करना, तो ये तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी खिदमत पेश की हैं। और क्योंकि इनके साथ भी कुछ इशू था, जैसे कि आयशा है उसका एक बेटा है, उसकी आँखों में मोतिया है, और उसके इलाज के लिए भी ये थोड़ा सा आगे पीछे हो रही थी बहुत सारे मसाइलों में, इस तरह सुमैरा भी है अपने मसले मसाइल में गिरी हुई, और कंवल है ये छोटी सी बेचारी गम में बेचारी परेशान है, तो इन सब के साथ जो है मसले मसाइल हैं। हम लोग हंसी मजाक भी, जाहिर सी बात है थोड़ा सा एक टीम वर्क हो रहा होता है तो टीम वर्क के साथ चलना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि मैं बेहद मशहूर हूँ सुल्तान साहब का जिन्होंने इनको एक गिफ्ट अमाउंट भेजी है, और उनको हम लिफाफ में बंद करके दे रहे हैं। ये आयशा का है, आयशा ये आपका है, सुल्तान साहब ने आपके लिए भेजा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। और ये है सुमैरा का, थैंक यू सर सो मच। और ये है कमल का, थैंक यू सो मच। तो जाहिर सी बात है मैं सुल्तान साहब का बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने इन वॉलेंटियर का ख्याल रखा, और इन वॉलंटियर के भी चेहरे में खुशी और मसरत नज़र आई, और मज़ीद ये है कि कंटिन्यू करेंगे आशा प्रोग्राम को। थैंक यू, जज़ाकल्ला। सबसे पहले तो थैंक्स करूंगी मैं सुल्तान साहब का जिन्होंने हमें हमारे मसाइल को सुना और उसको समझा, और उसके साथ हमें एक ऐसा गिफ्ट कुछ अमाउंट भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और इसके बाद हम सुमैरा के भी भेज देते हैं, सुमैरा आपका क्या कहना है? थैंक यू, मैं तो बस यही कहूँगी कि ना घर की मेरी काफ़ी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं सर जमशेद का ये प्रोग्राम करने से, बस उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं तो यही कहना चाहूँगी। सर जमशेद का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, और जिन्होंने हमें अमाउंट भेजा उनको भी बहुत थैंक्स हमारी तरफ से, जज़ाकल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा डिस्ट्रीब्यूशन का अमल इस वक्त तकरीबन कम्प्लीट हो गया है, और अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।